Hi dear students, myself Purushottam Sharma, and today we are going to discuss about one of conservation rules, which is conservation of hypercharge. Hypercharge conservation से पहले हमने conservation of baryon number, conservation of lepton number, conservation of third component of isospin, conservation of isospin इन सब के बारे में already discuss कर लिया है। तो आज ये जो hypercharge है, ये hypercharge इन्हीं सब से related है, यानी कि जो अपना आइसोस्पिन था वो क्या था, एक क्वांटम नंबर था। आइसोस्पिन वाज ए क्वांटम नंबर एंड हाइपरचार्ज इज आल्सो ए क्वांटम नंबर व्हिच इज मेड ऑफ baryon नंबर एंड स्ट्रेंथनेस। दैट मींस कि जो आपका हाइपरचार्ज है वो baryon नंबर और स्ट्रेंथनेस के एडिशन से बनता है, यानी कि जब आप baryon नंबर और स्ट्रेंथनेस का जो वैल्यू है उसको आप ऐड कर देते हैं तब आपको क्या मिलता है, हाइपरचार्ज मिलता है, और जो क्या है एक क्वांटम नंबर है। तो इसकी अगर आप डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो आता है कि वे इंट्रोड्यूस अ क्वांटम नंबर हाइपरचार्ज डिनोटेड बाय y, यानी कि आप जो आपका हाइपरचार्ज होगा उसको हम किससे डिनोट करने वाले हैं, y से डिनोट करने वाले हैं, यानी हाइपरचार्ज को हम y से डिनोट करेंगे व्हिच इज द सम ऑफ baryon नंबर एंड स्ट्रेंथनेस। स्ट्रेंथनेस के कंजर्वेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसको वापस रिकॉल करने की नीड नहीं है। baryon नंबर का भी हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि जो भी आपका रिएक्शन रहने वाला है अगर आपको चेक करना है कि उस रिएक्शन के अंदर हाइपरचार्ज कंजर्व है या नहीं है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, baryon नंबर और जो आपका स्ट्रेंथनेस है उसको सीधा-सीधा ऐड कर देना है और वहां पे ये पता कर लेना है कि जो आपका हाइपरचार्ज है वो कंजर्व्ड है या नहीं है। हाइपरचार्ज इज ए गुड क्वांटम नंबर व्हिच इज कंजर्विंग स्ट्रांग इंटरेक्शन एंड नॉट कंजर्विंग वीक इंटरेक्शन। दैट मींस कि जो आपका हाइपरचार्ज है वो स्ट्रांग इंटरेक्शन में क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, और जो आपका वीक इंटरेक्शन है वीक इंटरेक्शन में ये कंजर्व नहीं रहने वाला है। वैसे भी हम पढ़ चुके हैं कि कुछ ऐसे ही अपने कंजर्वेशन रूल्स हैं, ये लगभग कंजर्वेशन रूल्स किसके अंदर कंजर्व रहते हैं, आपके स्ट्रांग इंटरेक्शन के अंदर कंजर्व रहते हैं, आपके वीक इंटरेक्शन के अंदर दीस आर नॉट कंजर्व। ठीक है, अगर हम इसके फार्मूला की बात करते हैं तो दैट मींस कि हमने इसको बोला था कि y को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरचार्ज बोलते हैं, तो ये baryon नंबर और जो आपका स्ट्रेंथनेस है इसका एडिशन बन जाता है। अब baryon नंबर और स्ट्रेंथनेस के एडिशन के लिए हमने गेलमैन लोगो का फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला क्या था, अगर हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं तो फार्मूला था q इज इक्वल टू आपका हो जाता है थर्ड कंपोनेंट प्लस b प्लस s डिवाइडेड बाय 2। अब दैट मींस यहां पे हम एक चीज ये नोटिस करते हैं कि जो b + s है, ये b + s को हम y लिखते हैं, अगर आप यहां पे इसको चेंज कर देते हैं तो जो आपका गेलमैन लोगो का फार्मूला है वो क्या बन जाता है, p3 + y/2। यानी कि अगर आपको गेलमैन लोगो का फॉर्म को इफ यू वांट टू राइट गेलमैन लोगो का फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ हाइपरचार्ज देन यू कैन राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस फार्मूला व्हिच इज p3 + y/2 and where y is equal to b plus s and p3 is the third component of isospin and q is the charge of that particular element, that particular particle। ओके, तो ये आपका हो जाता है कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज। इसके डिटेल में हम जब जाएंगे जब अपन एक टेबल मेंट करेंगे सारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स और उनके एंटी पार्टिकल्स की, जिसके अंदर हम मेंशन करने वाले हैं कि उसका चार्ज क्या है, lepton नंबर क्या है, baryon नंबर क्या है, उसका आइसोस्पिन क्या है, उसका थर्ड कंपोनेंट क्या है, उसका स्ट्रेंथनेस क्या है और उसका हाइपरचार्ज क्या है, वो अपन इससे बनाने वाले हैं। तो ये था अपना कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ हाइपरचार्ज में हमने नॉर्मली ये डिस्कस करा कि कंजर्वेशन जो आपका हाइपरचार्ज है y है, ये b और s से मिलकर बना हुआ होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी। तो कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के अंदर पैरिटी भी एक क्या है, क्वांटम नंबर है, यानी इसको हम हिंदी में अगर आप बात करते हैं तो हम इसको हिंदी में बोलते हैं समता। यानी कि इसका डेफिनेशन ये हो जाएगा, पैरिटी इज अ क्वांटम नंबर वी नीड अ फंक्शन, वेव फंक्शन, यानी कि आपको एक तरंग फलन की जरूरत पड़ेगी, जैसे आपने शाही और इन सब के बारे में पढ़ रखा है। टू डिस्क्राइब पोजीशन ऑफ एनी पार्टिकल द वेव फंक्शन इज डिपेंड ऑन पोजीशन एंड स्पिन ऑफ द पार्टिकल। दैट मींस कि आपको एक किसकी नीड पड़ती है, अगर आप बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी की। कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी का मीनिंग ये हो जाएगा कि अपने को क्या चाहिए, वी नीड ए वेव फंक्शन। वेव फंक्शन आपको तरंग फलन चाहिएगा, जैसे शाही एनोमली ये सब होते हैं उस तरीके से, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको उस फंक्शन को नीड होगी, आपको उसकी पोजीशन और उसकी स्पिन के बारे में बताने के लिए, यानी कि आप उसकी स्थिति के बारे में और उसकी स्पिन के बारे में, स्पिन यानी प्रचक्रण, इसके बारे में जब आप बताएंगे तब आप वहां पे पैरिटी की यूज लेते हैं उन पार्टिकल्स के लिए। पैरिटी ट्रांजिशन इज ए स्पेस इन्वर्जन व्हिच इज डिफाइंड एज, यानी कि एक ये इन्वर्जन है। इन्वर्जन का मीनिंग हो गया प्लस को माइनस में, माइनस को प्लस में, इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं, इन्वर्स कर सकते हैं। तो अब ये क्या हो जाएगा आपका पैरिटी, अगर आप बात करते हैं तो दैट मींस कि ये आप गामा माइनस और आर लिख सकते हैं, यानी कि ये तो है आपके पॉजिटिव, ये है क्या नेगेटिव, दैट मींस कि ये इसका क्या है, जस्ट सीधा इनवर्स है, इसका जस्ट अपोजिट है, इसका प्रतिलोम बोल सकते हैं आप इसको। ये क्या हो जाता है आपका कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के अंदर आता है। अब पैरिटी के अंदर क्या होता है, जो आप ऑपरेटर यूज लेने वाले हैं, यानी जो आप तरल फलन यूज लेने वाले हैं, वो कुछ इस तरीके से आएगा। हम यहां पे लिखेंगे साइन माइनस आर एस व्हिच इज इक्वल टू साइन आर एंड एस। अब r एंड s यहाँ पे जो आप ले रहे हैं ये एक आपके क्या रहेगा, वेक्टर फंक्शन रहेगा। तो अब यहाँ पे आप ये बोल सकते हैं कि ये जो आपका माइनस r और s है ये प्लस माइनस साइन r और s के क्या रहता है, इक्विवेलेंट रहता है। दैट मींस क्या होगा कि ये इसके प्लस वैल्यू के भी इक्वल रहेगा, ये इसके माइनस वैल्यू के भी इक्वल रहने वाला है। अब दैट मींस कि हम यहाँ पे एक बात अपने को ये पता चल रही है कि यहाँ पे दो वैल्यूज हो सकती है, एक प्लस की वैल्यू हो सकती है, एक माइनस की वैल्यू हो सकती है। दैट मींस कि पैरिटी के अंदर अपने पास में आपको एक पैरिटी मिलेगा प्लस, एक पैरिटी आपको मिलेगा माइनस। जब आपको पैरिटी प्लस और माइनस मिलता है तब वहां पे हम किस तरीके के चेंज कर सकते हैं, हम वहां पर हम थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट आपको मिलेगा पैरिटी प्लस, या फिर आपको मिल सकता है पैरिटी माइनस, यानी इसकी दो सिचुएशंस अपने पास पैरिटी की रहती हैं, जिनके अंदर क्या-क्या आगे कंडीशंस बनती हैं उसका हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे फर्स्ट ये है आपके पास में कि पैरिटी ऑपरेटर हैविंग आइगन वैल्यू व्हिच इज p is equal to 1, अगर आपके p की वैल्यू कितनी है 1 है, दैट मींस वहां पे क्या सीन होने वाला है वो हमने को यहां पे चेक करना है। अगर आपके पास में p is equal 1 है दैट मींस आप यहां पे जो फंक्शन बनेगा वो फंक्शन क्या बनेगा आपके पास में p minus r and s, minus r और s बन जाएगा। उसके बाद में बराबर में आपके पास में आ जाएगा sin व्हिच इज r and s, यानी sin r and s बन जाएगा। और अब आगे इसके आप क्या कर देते हैं, इधर p sin minus r s is equal to plus 1, यानी कि इस p की वैल्यू कितनी आ गई, plus 1 sin r और s, इस तरीके से आप यहाँ पे बोल सकते हैं। तो अब यहाँ पे जिनके पास में आपके sin r s, अगर आपके ये जो sin r s है ये क्या है, इसके पास क्या होगा आपके पास में इवन पैरिटी होगी, इसकी क्या होगी, इवन पैरिटी होगी। This is going to have even parity। और अगर आपके पास है p is equal to -1 होता है, ये हमने p is equal to +1 की बात करी, यहाँ पे वैल्यू हमने +1 रखा। अगर आप यहाँ पे p is equal to -1 रखते हैं तब यहाँ पे होगा, यहाँ पे तब अपने पास यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है p psi and r s is equal to psi आ जाएगा minus r s आएगा। दैट मींस कि आपके पास में जो वैल्यू है वो क्या आएगी यहाँ पे माइनस साई आर एस आ जाएगा। आप इस माइनस वाले को बाहर ले सकते हैं, माइनस साई आर एस अपने को यहाँ पे ये वैल्यू मिल जाती है। तो अब यहाँ से क्लियर होने के बाद में अब जिसमें साई आर एस आपको क्या मिलता है, इसमें आपको क्या मिलेगा, साई आर एस ओड मिलेगा, यानी दिस इज गोइंग टू हैव पैरिटी व्हिच इज ओड एंड दिस दैट फंक्शन पैरिटी इज इवन। तो ये आपके पास में होता है कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के अंदर। हमने थोड़े बहुत इसके बारे में पढ़ लिया कि कौन से पार्टिकल किस तरीके से अपने पास में पैरिटी रख सकते हैं। अब आपके कुछ पार्टिकल्स हैं जिनकी पैरिटी क्या होती है क्या नहीं होती है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ पार्टिकल्स की पैरिटी आपके पास पॉजिटिव होने वाली है, सम पार्टिकल्स विल हैव पैरिटी नेगेटिव। अब अगर हम बात करते हैं पार्टिकल, अगर आप बात करते हैं इसकी पैरिटी की, इसके इंटरेस्टिंग आप पैरिटी की बात करते हैं, आप इसकी स्पिन पैरिटी की बात करते हैं तब वो किस तरीके से आता है। और दूसरा आपके पास आ जाएगा नेट पैरिटी, यानी अगर आपका पार्टिकल क्या है मेसोन है, मेसोन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपका पार्टिकल क्या है बेरियन है, अगर हमारा पार्टिकल बोसोन है, एंटी बोसोन है, बोसोन, एंटी बोसोन, या फिर हमारा जो पार्टिकल है वो क्या है, फर्मियोन है या फिर एंटी फर्मियोन है, यानी कि फर्मियोन एंड एंटी फर्मियोन। अब एंटी फर्मियोन और ये सब साथ में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये इसी के ही तो पार्टिकल्स हैं जिनके बारे में हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। अब अगर आप इनकी स्पिन की बात करते हैं तो इसकी जो ट्रांसिंग जो स्पिन है इसकी होगी मेसोन की नेगेटिव, बेरियोन की होगी आपके पास है पॉजिटिव, और यहाँ पर बोसोन और एंटी बोसोन की जो पैरिटी होगी वो होगी सेम, और जो फर्मियोन और एंटी फर्मियोन है उनकी पैरिटी होगी डिफरेंट। तो इस तरीके से हम इसकी पैरिटी के बारे में बात कर सकते हैं। स्पिन पैरिटी इसकी हो जाएगी -1/1, ठीक है। उसके बाद में अगर आप नेट पैरिटी की बात करते हैं तो नेट पैरिटी के अंदर क्या सीन होगा कि जो मल्टीपल पैरिटी इंट्रांसिंग स्पिन पैरिटी, यानी इसमें सबके अलग अलग स्पिन पैरिटी आपके पास में नेट पैरिटी के अंदर आपको अवेलेबल हो सकती है। तो अब इसके अंदर क्या होगा कि अपने पास में स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो आपके पास में इंटरेक्शन है उसके अंदर तो हम क्या बात कर लेंगे यहाँ पे कि सबकी अलग अलग क्या हो जाएगी पैरिटी की बात करेंगे हम। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में ज्यादा जो कंजर्वेशन रूल्स है वो क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं, वहां पे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे अपन किसकी बोल सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी के अंदर हमने क्या पढ़ा कि कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी में पैरिटी क्या होता है, क्वांटम नंबर होता है जो उसे पार्टिकल के पोजीशन और उसके स्पिन के बारे में डिफाइन करने के लिए यूज किया जाता है। और इस तरीके से यहाँ पे हम पैरिटी कंजर्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। और जो वीक इंटरेक्शन है और वीक इंटरेक्शन में जो आपकी पैरिटी कंजर्वेशन है वो अप्लाई नहीं होता है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ हाइपर चार्ज पढ़ा। कंजर्वेशन ऑफ हाइपर चार्ज में भी जो आपकी जो ये आपका रूल है वो किसमें अप्लाई होता है, स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में होता है, वीक इंटरेक्शन में अप्लाई नहीं होता है। तो आज हमने कौन सा डिस्कस कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ हाइपर चार्ज कर लिया, कंजर्वेशन ऑफ पैरिटी हमने डिस्कस कर लिया। कल हम बात करेंगे एक टेबल की जिसके अंदर हम स्पिन, उसका इलेक्ट्रॉन नंबर, बेरियन नंबर, आइसो स्पिन और जो आपका थर्ड कंपोनेंट था उसके बारे में, स्ट्रेंथनेस के बारे में और हाइपर चार्ज के बारे में वो टेबल हम बनाने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो है उसके नोट्स आप जरूर बना लेना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना क्लासमेट्स के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिजिक्स सीखने के लिए, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।